विटीकल्चर सेकेंड ईयर सब्जेक्ट कोड BC 204 टॉपिक प्रॉपर्टीज एंड यूजेस फॉर H2O2 अमोनिया एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। माई सेल्फ अर्चना गुप्ता लेक्चरर ब्यूटीकल्चर गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 एक महत्वपूर्ण केमिकल रिएजेंट है जो कि हेयर ड्रेसिंग में अनेक प्रोसेस में काम में लिया जाता है। यह अच्छा ऑक्सीकारक होता है। ज़्यादा मात्रा में रंग हल्का नीला दिखाई देता है। H2O2 पानी और ऑक्सीजन से मिलकर बना सबसे पॉपुलर कीटाणुनाशक है। संक्रमण से बचने तथा सफाई के उद्देश्य में यह सबसे बेहतर है। H2O2 कलरलेस तीखी गंध वाला लिक्विड है। हेयर ड्रेसिंग व लेबोरेटरीज में 30% यानी 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 का प्रयोग किया जाता है। H2O2 कई तरह के कामों में प्रयोग लाया जाता है। यह सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर भी काम करता है। बालों, स्किन, दांतों और कानों के लिए हेल्थ प्रोडक्ट के तौर पर भी काम करता है। H2O2 रंगहीन गंधहीन लिक्विड फॉर्म में होता है। यह एक अल्कोहल में सभी अनुपात में मिक्स हो जाता है। स्किन के लिए H2O2 त्वचा के लिए एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। त्वचा पर ऑक्सीजन रिलीज करता है जिससे डेड स्किन की सफाई में मदद मिलती है। H2O2 त्वचा ब्लीच भी करता है। छोटी मोटी चोटों के लिए H2O2 का उपयोग कर सकते हैं। इससे रक्त प्रवाह रुक जाता है और मृत टिश्यू बाहर निकल जाते हैं। त्वचा पर से धूल मिट्टी के कण को हटाने व मुहासों के लिए भी उपयोगी है। ब्लैकहेड्स H2O2 और वाटर को रुई में 3% मात्रा में भिगोकर ब्लैकहेड से प्रभावित जगह पर लगाएं। H2O2 हमेशा पानी में मिलाकर के ही उपयोग करें। H2O2 को डायरेक्ट त्वचा व बालों पर ना लगाएं। सेकेंड है बालों के लिए। बालों में चमक लाने के लिए H2O2 का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा के साथ H2O2 को मिलाकर लगाने से बालों में नेचुरल शाइन आती है। बालों में कलर लगाने के बाद आपका कलर कई दिनों तक बालों में टिका रहे और चमकता रहे तो कलर मिक्स करते समय उसमें 5% तक H2O2 मिला लेना चाहिए। पैरों के लिए फटी एड़ियों के लिए H2O2 काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके लिए आपको अपने पैर H2O2 को पानी में मिलाकर उसमें डिप करने चाहिए। इसके अलावा पैरों के कठोरपन से निजात दिलाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाखूनों का फंगस खत्म करने के लिए अपनी उंगलियों को H2O2 के घोल में 30 मिनट डिप करके रखने चाहिए। फिर जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा वैसे ही नाखूनों से फंगस खत्म होना शुरू हो जाएगी। H2O2 उन जीवाणुओं को ख़त्म करता है जो कि बदबू फैलाते हैं। नोट, H2O2 का 3% H2O2 10 वॉल्यूम भी कहलाता है। साइड इफ़ेक्ट्स H2O2 के, पहला त्वचा का लाल होना, दूसरा बिना पानी मिलाए उपयोग में लेने पर यह त्वचा को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है और त्वचा पर फफोले बना सकता है, त्वचा लाल हो सकती है। थर्ड है H2O2 का उपयोग करते समय आँखों को बचाकर रखें। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस फॉर अमोनिया। अमोनिया एक तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस होती है। ये हवा से हल्की होती है, पानी में आसानी से घुल जाती है। पहला बर्फ बनाने के कारखानों में शीतलीकारक के रूप में अमोनिया का उपयोग किया जाता है। सेकंड, कपड़ों से तेल, ग्रीस आदि के दागों को छुड़ाने के लिए अमोनिया का उपयोग किया जाता है। थर्ड, अमोनिया वातावरण में फैल जाए तो आँख तथा चेहरे को काफ़ी अधिक पानी द्वारा धोना चाहिए। नेक्स्ट, अमोनिया जल में अति विलय है इसलिए चेहरे को जल से धोने से यह धुलकर अलग हो जाती है। फोर्थ, अमोनिया को सहसा सूंघने पर आँख में आंसू आ जाते हैं, अधिक मात्रा में घुटन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, हेयर शैम्पू और हेयर कलर बनाने में अमोनिया का उपयोग होता है। आर्टिफिशियल स्किन बनाने में उपयोग होता है। नेक्स्ट, रासायनिक खाद बनाने में अमोनिया का उपयोग होता है। अमोनिया के साइड इफ़ेक्ट्स, शैम्पू में मौजूद अमोनिया बालों में ही नहीं बल्कि स्किन में भी नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा मात्रा में अमोनिया आँखों की रोशनी भी छीन सकता है। नेक्स्ट, आमतौर पर मिलने वाले शैम्पू में अच्छी मात्रा में अमोनिया होता है जिस कारण बाल रूखे बेजान होते हैं व बालों का टेक्सचर खराब हो जाता है। शैम्पू की तरह हेयर कलर्स में भी अमोनिया पाया जाता है। अमोनिया वाले कलर्स हेयर क्यूटिकल को डैमेज कर बालों को ख़राब कर देते हैं। जिन हेयर कलर्स में अमोनिया होता है उन्हें लगाने से बालों की नेचुरल शाइन खत्म हो जाती है। अमोनिया वाले कलर्स स्कैल्प में इन्फेक्शन का कारण भी बनते हैं। हमेशा अमोनिया फ्री कलर्स का ही उपयोग करें।
अमोनिया स्किन पर रैशेस भी देता है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सारे केमिकल्स को मुख्य रूप से दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सेकंड है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फर्स्ट है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यह कंपाउंड जिसमें कार्बन का अणु होता है लिविंग थिंग से प्राप्त होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहलाते हैं, जैसे प्लांट एनिमल। सेकंड है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये कंपाउंड जिसमें कार्बन का अणु नहीं होता है तथा नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं जैसे चट्टान तथा खनिज आदि। डिफरेंस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक यह प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं जैसे शुगर, हेयर, मिथाइलेटेड स्प्रिट इत्यादि। इनऑर्गेनिक चट्टान और खनिज लवण से प्राप्त होते हैं, एग्जाम्पल सॉल्ट, सैंड, आयरन आदि। सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड काले होने तक आसानी से गर्म किया जा सकता है जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को गर्म नहीं किया जा सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन का अणु पाया जाता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का अणु नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड लो टेम्परेचर पर आसानी से गर्म हो जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट है यह प्राय वाष्पशील होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यह प्राय अवाष्पशील होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनसे प्राय गंध, विशिष्ट प्रकार की गंध होती है, और इनऑर्गेनिक में यह प्राय गंधहीन होते हैं यानी कि इसमें कोई खुशबू नहीं या कोई किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं होती है। कॉस्मेटिक में कार्बन का अणु पाया जाता है। बहुत से कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जैसे फैट, ऑयल, कार्बोहाइड्रेट। भोजन में विद्यमान सभी तत्व ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। शैम्पू, सोप, डिटर्जेंट, एसिड रिंस में ऑर्गेनिक एसिड, केमिकल वैक्सिंग लोशन में थायोग्लाइकोलिक एसिड, लिपस्टिक में वैक्स, ऑयल, पिगमेंट, ये सभी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इस प्रकार कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कॉस्मेटिक्स बनाने में काम आते हैं वह निम्न है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निम्नलिखित ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हाइड्रोकार्बन, ये कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन तथा कार्बन होते हैं हाइड्रो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे मिनरल ऑयल, पैराफिन वैक्स, पेट्रोलियम जेली आदि का उपयोग कॉस्मेटिक बनाने में किया जाता है जो कि एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। यह हाइड्रोकार्बन त्वचा को लुब्रिकेट करता है तथा क्रीम में बेस व थिकनेस के रूप में काम में लिया जाता है। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका उपयोग सैलून में किया जाता है। यह ऑयल और ग्रीस को आसानी से डिजोल्व कर लेता है, इस कारण हेयर पीस व विक्स को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करने से पहले हाथों में ग्लव्स पहने, इसे हाथों से नहीं छूना चाहिए, न ही इसे इनहेल करना चाहिए। इसका उपयोग हमेशा खुले वातावरण में करना चाहिए, खुली जगह पे इसका उपयोग करना चाहिए। इसे इनहेल कर लिया जाए या त्वचा के अंदर चली जाए तो यह शरीर की वृद्धि पे प्रभाव डालता है। इससे विक को क्लीन करने के बाद विक को धूप में रखना चाहिए ताकि पदार्थ टूट जाए, और हेयर पीस और विग में से इसकी स्मेल आए तो इसे पहनना नहीं चाहिए। फैट एंड ऑयल, सेकंड फैट्स एंड ऑयल का उपयोग कॉस्मेटिक तथा अन्य खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में होता है। फैट्स एंड ऑयल को ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक समूह में रखा गया है। फैट्स साधारण तापमान पर कठोर होते हैं किंतु ऑयल लिक्विड होते हैं। फैट्स सैचुरेटेड व अनसैचुरेटेड दोनों प्रकार के हो सकते हैं जबकि ऑयल्स अनसैचुरेटेड होते हैं। कॉस्मेटिक के लिए किस तरह का फैट काम में लेना चाहिए ये प्रोडक्ट के प्रकार पर निर्भर करता है। सैचुरेटेड फैट्स का उपयोग स्मूथ फेस क्रीम बनाने के लिए होता है। एक अच्छा लिक्विड लोशन बनाने के लिए अनसैचुरेटेड फैट या ऑयल का उपयोग होता है। फैट्स व ऑयल्स का उपयोग क्रीम में त्वचा को मुलायम बनाने के लिए किया जाता है। लैनोलिन तथा कोलेस्ट्रॉल एक विशेष प्रकार के फैट्स हैं लैनोलिन एक विशेष प्रकार का फैट है जिसका यूज़ त्वचा को लुब्रिकेट करने के लिए, बालों की कंडीशनिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अल्कोहल, यह भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लिटमस पेपर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ज्वलनशील होते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन देकर इस्टर्स एंड सॉल्ट का निर्माण करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अल्कोहल व उनके उपयोग, फर्स्ट है मिथाइल अल्कोहल, ये क्लियर कलरलेस लिक्विड अल्कोहल है जो कि हाईली पॉइजनस होता है। सेकंड है इथाइल अल्कोहल,
ये क्लियर कलरलेस लिक्विड है। यदि इसकी अधिक मात्रा का उपयोग किया जाए तो यह पॉइजनस होता है। यह एंटीसेप्टिक इफेक्ट देता है। इसका उपयोग डाई व लोशन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यह क्लियर कलरलेस लिक्विड है जो एंटीसेप्टिक इफेक्ट देता है। हेयर सेटिंग लोशन परफ्यूम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अदर अल्कोहल, सिटाइल अल्कोहल, ल्यूराइल अल्कोहल, ये सभी वाइट वैक्स सॉलिड हैं। इनका उपयोग क्रमशः कॉस्मेटिक क्रीम, सोप, सोपलेस डिटर्जेंट तथा शैम्पू बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, ये स्वीट सिरप लिक्विड है जो हवा से नमी को सोखता है। इसका उपयोग स्किन क्रीम तथा लोशन बनाने में किया जाता है। यह बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट है हमारा अमाइंस, यह भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। गुणों में इनऑर्गेनिक बेस से समानता है। छूने पर साबुन जैसा लगता है। अमाइंस में फिशी स्मेल होती है और कुछ महत्वपूर्ण अमाइंस ट्राई इथिलोनोमाइन वैल्यूबल अमाइन है जिसका उपयोग सोपलेस डिटर्जेंट, शैम्पू, वैनिशिंग क्रीम, नरिशिंग क्रीम बनाने में किया जाता है। कुछ अमाइंस का प्रयोग परमानेंट हेयर डाई बनाने में किया जाता है। सिटाइल ट्राई इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड एक प्रकार का क्वेंटेनरी अमोनियम सॉल्ट है जिसका उपयोग हेयर ड्रेसिंग में किया जाता है। इससे बाल सॉफ्ट होते हैं व उनकी कंडीशनिंग होती है और इसका प्रयोग परमानेंट डाई में भी किया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड्स, यह एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक एसिड्स अन्य एसिड्स की अपेक्षा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ये बालों को अच्छी रिंस देते हैं लेकिन अत्यधिक एसिड रिंस बालों को ड्राई भी कर देते हैं। गुण, सभी एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं जैसे खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड, नींबू में सिट्रिक एसिड, बेस को उदासीन करके सॉल्ट्स का निर्माण करते हैं। फर्स्ट है एसिटिक एसिड, इसमें से तीखी गंध आती है जिसका उपयोग एसिड हेयर रिंस बनाने में किया जाता है। सेकेंड है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड वाइट क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, इनका भी यूज़ एसिड हेयर रिंस बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड, पारदर्शी सिरप लिक्विड है, इसका उपयोग स्किन लोशन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है सैलिसिलिक एसिड, यह वाइट क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक क्रीम प्रिजर्वेटिव में किया जाता है। नेक्स्ट है थायोग्लाइकोलिक एसिड, कलरलेस अनप्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड है, इसका प्रयोग वेव सेट लोशन में तथा हेयर रिमूवर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेरिक एसिड, यह वाइट वैक्सी सॉलिड है, इसका प्रयोग वैनिशिंग क्रीम तथा लोशन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है ऑलिक एसिड, ये ऑयली लिक्विड है, इसका प्रयोग सोप बनाने में किया जाता है। एसिड हेयर रिंस, ये ऑर्गेनिक एसिड के वीक सॉल्यूशंस हैं जिनमें एसिटिक एसिड व सिट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ये बालों से सोप व हार्ड वाटर डिपॉजिट को रिमूव कर देते हैं। बालों में उपस्थित साबुन की क्षारीयता को उदासीन करते हैं तथा ब्लीच हेयर पर जेली जैसी कोटिंग देते हैं। टेम्परेरी कलर रिंस भी सिट्रिक एसिड से बनते हैं तथा हेयर कंडीशनर में भी सिट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इस्टर्स, ये सॉल्ट्स होते हैं। जब ऑर्गेनिक एसिड की अल्कोहल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो इस्टर्स बनते हैं। इनमें अच्छी खुशबू होती है, फ्रूटी स्मेल, इस्टर्स अच्छे सॉल्वेंट होते हैं। फर्स्ट है इथाइल एसिटेट, प्रेजेंट स्मेल लिक्विड है, इसका प्रयोग नेल पेंट बनाने में किया जाता है। अमाइल एसिटेट, यह भी एक प्रकार का लिक्विड है, इसका उपयोग नेल पेंट बनाने में किया जाता है। ग्लिसरॉल मोनोस्टेरेट, वाइट वैक्स सॉलिड है, इसका उपयोग डिओड्रेंट, ब्लीचिंग क्रीम तथा एंटी प्रस्पायरेंट्स बनाने में किया जाता है। आइसोप्रोपाइल मेरिस्टेट, येल्लो लिक्विड है, इसका प्रयोग क्रीम और लोशन बनाने में किया जाता है। प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होने वाले ऑयल तथा वैक्स भी एक प्रकार के स्टर्स हैं। इसका प्रयोग क्रीम का बेस व थिकनेस देने के लिए किया जाता है। एसीटोन, ये हाईली इन्फ्लामेबल विलायक है, इसका प्रयोग नेल पॉलिश और नेल पॉलिश रिमूवर बनाने में किया जाता है। एल्डिहाइड्स, यह एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। मिनरल ऑयल, यह भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोलियम मिनरल ऑयल के मुख्य सोर्सेज हैं। पेट्रोलियम एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फर्स्ट है पैराफिन लिक्विड, यह लिक्विड होता है क्लियर कलरलेस, कोई स्मेल नहीं होती है, क्रीम और हेयर क्रीम बनाने में काम आता है, त्वचा को लुब्रिकेटिंग इफेक्ट देता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम जेली या वैसलीन, येल्लो और वाइट होती है, स्किन क्रीम बनाने में प्रयोग होती है। पैराफिन वैक्स वाइट और सॉलिड होते हैं, फेस क्रीम बनाने में काम आते हैं। थैंक यू।